हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा ओप्पो F25 प्रो 5G फ़ोन है, तो F25 प्रो 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में ऑप्शंस आता है कि आप कैसे अपने फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर कैसे अपने फ़ोन में ब्लूटूथ की प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। ओप्पो F25 प्रो 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर एंड ब्लूटूथ की प्रॉब्लम को ठीक कैसे कर पाएंगे ओप्पो फ़ोन में, तो आज हम बताने वाले हैं कि ब्लूटूथ की प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं ओप्पो F25 प्रो 5G फ़ोन में। बताने वाले हैं कि फ़ोन में ब्लूटूथ प्रॉब्लम को ठीक कैसे करें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आइकन शो हो रहे हैं तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे। ओपन हो जाएंगे जिसमें से सेटिंग्स पे जाना है, और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी। तो आप कैसे अपने फ़ोन में ब्लूटूथ की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सिंपली सेटिंग्स शो हो रही है तो आपको जाना है एडिशनल सेटिंग्स। तो एडिशनल सेटिंग्स पे जाकर जब आप इस पर क्लिक करते हैं रीसेट ऑप्शंस पे, तो आपके पास रीसेट ऑप्शंस आ जाता है। फिर आप इस पर क्लिक करके ब्लूटूथ ऑल नेटवर्क सेटिंग्स को रीसेट कर सकते हैं। सिंपली पासवर्ड डाल देना है और इस पर क्लिक कर देना है, और क्लिक करते इसके जरिए ब्लूटूथ ऑल नेटवर्क सेटिंग्स को आप रीसेट कर सकते हैं, और रीसेट करके ब्लूटूथ की जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर पाएंगे और ब्लूटूथ की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। यहाँ से ऑल सेटिंग्स को रीसेट करके देख सकते हैं, यहाँ से ब्लूटूथ ऑल नेटवर्क सेटिंग्स को रीसेट कर सकते हैं और ब्लूटूथ की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और आप चाहें तो ऑल सेटिंग्स वगैरह को भी रीसेट कर सकते हैं। यहाँ से क्लिक करते ही ऑल सेटिंग्स वगैरह भी आपके फ़ोन में रीसेट हो जाएगी और ब्लूटूथ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएगी, और 10 प्रॉब्लम को भी आप सॉल्व कर सकते हैं इस ऑप्शंस के जरिए। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो